हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य हाईटेक वन। स्वागत है मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, ये है प्रेस्टीज टाइफून 051 वैक्यूम क्लीनर और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बनाए हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप एक बार उसे ज़रूर देखिए। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि इसको किस तरह से क्लीन करते हैं, इसके अंदर जो फ़िल्टर है उसको किस तरह से क्लीन करना है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके डस्टबिन कलेक्टर में भी काफ़ी डस्ट है और ये रहा इसका फिल्टर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इस फिल्टर को क्लीन करेंगे। तो इसको क्लीन करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा धूल रहती है और अगर हम इसको ऐसे बाहर ही निकालेंगे, मतलब उसको ऊपर से टैप करेंगे, तो जो धूल रहेगा वो हमें दिक्कत कर सकता है। इसलिए इसको हम कैसे क्लीन करना है ये मैं बता रहा हूँ आपको। और फ्रेंड्स, इसको क्लीन करते समय पानी का यूज़ नहीं करना है। तो इसको इस तरह से एक पॉलीथीन में रख कर हमें ऊपर से टैप करना है, तो जो भी धूल मिट्टी रहेगा वो इस पॉलीथीन में स्टोर होगा। ये देखिए, और इसको इस तरह से टैप करना है। आपको जेंटली दोनों साइड से इसको टैप करना है। ये देखिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा धूल यहाँ से निकल रही हैं और इसके अंदर देखिए काफ़ी मिट्टी यहाँ पे स्टोर हो चुकी है। और अब हम इस फिल्टर को इस ब्रश से जो ऊपर का डस्ट है वो निकालेंगे। इस तरह से आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम ये डस्ट निकाल रहे हैं। अब ये पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस वैक्यूम क्लीनर को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। इसका फिल्टर है, देखिए ये भी पूरी तरह से क्लीन हो चुका है और उसका डस्टबिन जो कलेक्टर है उसको भी हमने क्लीन कर दिया है। ऐसे अगर आप यूज़ करने के बाद इसको क्लीन करेंगे तो इसका जो परफॉर्मेंस रहेगा वैक्यूम क्लीनर का वो भी अच्छा रहेगा। और अभी हम इसको यहाँ पे फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।